आप देख रहे हैं अपना समाचार। आ जाओ। अच्छा उसमें था क्या वो फूल में? उसको झा रहा हूँ। ड्रेस हाँ ठीक है। एक दो लोग गिलास रख देना बस। बहुत एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का। आंगन क्या कहिएगा? आंगन एक पारिवारिक फिल्म है, बहुत अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर बन रही है। और जो हमारे आंगन के प्रोड्यूसर हैं और हमारे डायरेक्टर साहब हैं आलोक जी, इन लोगों ने बनाने के पहले ही मुझे बोला कि आप ये मत सोचना कि आप कोई भोजपुरी फिल्म बना रहे हो, आप ये सोचना आप एक हिंदी फिल्म बना रहे हो। तो एक अच्छी शुरुआत की है प्रोड्यूसर साहब ने, तो हम अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दिनेश निरहुआ जो कि जुबली स्टार कहे जाते हैं वो नजर आ रहे हैं, क्या उनके अभिनय का तो क्या ही बोले। अब उनके अभिनय का तो मैं उनकी पहली फिल्म से ही जानता हूँ, तो डे बाई डे, दिन बाई दिन इतने साल हो गए, अच्छा करते ही जा रहे हैं। वेब सीरीज भी कर लेते हैं, हिंदी में वैसे भी काम कर ही लेते हैं, तो बहुत अच्छे हैं। नेता के बाद जो अभिनेता से नेता बने, मैं तो चाहूँगा कि उनसे एक फिल्म एज ए नेता भी कराऊँ, क्योंकि एक्टिंग में तो उनका कोई तो वो नहीं है कि हाँ एक्टिंग नहीं है कर पाएंगे, तोड़ नहीं है। मगर एक फिल्म में चाहूँगा कि उनकी नेता वाली एक्टिंग भी मैं देखूँ कि वो रियल नेता वाली लाइफ के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म तो करेंगे बहुत अच्छा, मुझे नो डाउट, कोई भरोसा हमने पूरा। बट मैं देखना चाहता हूँ कि एक फिल्म उनके साथ में मैं नेता वाली करूँ कि जिसमें वो पॉलिटिशियन कर रहे हो। इसमें फिल्म में एक्ट्रेस नई लॉन्च हो रही है जी, दो लड़कियाँ नई हैं। तो किस तरीके से उस लड़कियों को आप काम में देखते? लड़कियाँ एकदम जुड़ के काम कर रही हैं, हर चीज़ पर पकड़ रही हैं और मेहनत कर रही हैं। तो और उनको हम बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो अच्छा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। फिल्म के डायरेक्टर जो हैं उनके बारे में क्या? फिल्म के डायरेक्टर देखो तो हमारे पहले से अच्छा दोस्ताना, हिंदी के टाइम से ही ऐड करते थे और वो ऐड के बाद फिल्म में करने लगे, तो उनको एक एक चीज़ क्लियर चाहिए, यानी ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो क्लियर रहता है उनका दिमाग में कि हाँ ये है। उन्होंने कुछ मुझे बताया, हम तो इशारों में ही खेल जाते हैं दोनों। उन्होंने मुझे कुछ इशारों में बोला, मैं इशारों में उनका, बाकी का हम लोग का काम अच्छे से हो जाता है। इतने साल की ट्विनिंग हम दोनों की, तो हम लोग बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे आती है प्रोड्यूसर साहब, तो उनके पास बोलने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं सर, वो तो आगे से आगे रेडी रहते हैं कि नहीं ये कम लग रहा है आप ज़्यादा कर दीजिए, ये कम लग रहा है आप बढ़ा कर दीजिए। उनको हर लेवल बढ़ा ही चाहिए, छोटा लेवल उनको चाहिए नहीं। तो फिल्म का स्टोरी भी वही लिखे हैं जी, तो किस तरीके का स्टोरी है, मतलब ठीक उसी तरीके से बने जिस तरीके से लिखा गया है? उन्होंने मुझे एक फिल्म का लुक बताया था कि ये लुक पे मुझे फिल्म चाहिए, तो हमने फर्स्ट डे ही शूट किया और वो जो उन्होंने लुक बताया वो लुक मैंने उनको दिखाया कि सर ये आपने जो फिल्म का लुक मांगा था कि ये हिंदी फिल्म का लुक चाहिए, और फर्स्ट डे ही फर्स्ट शॉट हमने लेके उनको दिखाया, तो वो बोले कि बस मैं संतुष्ट हूँ कि आप जो मैंने जो बोला वो आप मुझे करके दे रहे हो, तो वो बहुत अच्छे खुश होकर वो डे बाय डे एज ए प्रोड्यूसर, वो राइटर एज अ राइटर, प्रोड्यूसर तो बहुत अच्छे, एज अ राइटर वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा कर लीजिए, मैं चाहता हूँ, और अकेले चढ़ नहीं जाते, बताते हैं कि भाई ऐसा मुझे ऐसा चाहिए, आपको क्या लगता है, मतलब एक वो बताते भी हैं अपना और सुनते भी हैं, और फिर कन्वर्सेशन करके एक बढ़िया से हम लोग सीन को डिवाइड कर लेते हैं। तो फिल्म के लिए तो कोई मैसेज होना चाहिए? फिल्म के लिए वही हर बार मैं बोलता हूँ और बोलता आया हूँ और अभी भी बोलूँगा, हर फिल्म के लिए बोलूँगा, प्लीज़ भाई ये फिल्म को भी थिएटर में जाके देखिएगा, जो हमारा थिएटर ख़त्म होता जा रहा है वो ख़त्म ना होने पाए। और सर का तो है कि हम मल्टीप्लेक्स में भी इनको रिलीज़ करेंगे, तो बड़े लेवल पर रिलीज़ करना चाह रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ बड़े लेवल पर रिलीज़ हो बहुत अच्छी बात है, बट छोटे लेवल वाले छोड़े ना, फिल्म को एक बार जाके थिएटर में ज़रूर देखें। फिल्म को